हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डीफार्म सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फार्माकोथेरापिटिक्स के बताएंगे, जिसमें हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बताएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बताएंगे। अगर आपने फार्माकोलॉजी की अभी तक नहीं देखी है वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से फार्माकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को देख लें। दोस्तों, हम हर सब्जेक्ट के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आज हम आपको फार्माकोथेरापिटिक के बारे में बताएंगे और जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन बताएंगे। अपने जो एक्सपीरियंस है, हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हमने इस सीरीज़ में रखा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं और बताते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिंस, यानी मेडिसिंस के रेशनल यूज़ क्या हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लें। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यानी STG एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ये वाला क्वेश्चन है और ऊपर रेशनल यूज़ वाला है जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसमें से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लें। अब आपको बताएंगे यूनिट सेकेंड, जो यूनिट सेकेंड के बाद जो आपका सिलेबस है वो सेक्शन वाइज डिवाइड हो गया है। तो आपका सेक्शन ए है, बी है, सी है, तो हम आपको सेक्शन वाइज ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो यूनिट सेकेंड का सेक्शन नंबर ए, जिसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेफिनेशन इटियोलॉजी पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, जो आपकी फर्स्ट डिसीज़ है हाइपरटेंशन, उसकी आपको डेफिनेशन पढ़नी है, इटियोलॉजी पढ़नी है और जो पैथोजेनेसिस है उसको तैयार कर लेना है। उसी का सेकंड क्वेश्चन है, कंजेस्टिव हेड फेल्योर, कंजेस्टिव हेड फेल्योर क्या होता है, यानी इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है, इटियोपैथोजेनेसिस बतानी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी आपको डिफाइन करना है। और थर्ड क्वेश्चन है, हाइपरलिपिडेमिया इन फुल डिटेल, जो हाइपरलिपिडेमिया डिसीज़ होती है यानी ब्लड में जो लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, वह वाली डिसीज़ को आपको बताना है और फुल डिफाइन करना है। अब यूनिट नंबर जो सेकंड का सेक्शन नंबर बी है, उसमें आती है पहली डिसीज़, राइट डाउन द डिटेल ऑफ COPD विद इटियोलॉजी पैथोजेनेसिस, उसके सिम्टम्स को लिखना है और उसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को भी आपको लिखना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको ड्रग लिखनी होती हैं और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है उसमें आपको सिंपली जो आप अपने तरीकों को यूज़ करके डिजीज़ को कवर कर सकते हैं वह बातें उसमें होती हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द अस्थमा, यानी अस्थमा डिसीज़ क्या होती है उसकी डेफिनेशन देना है एंड उसकी इटियोपैथोजेनेसिस को भी डिफाइन करना है और उसका जो मैनेजमेंट होता है फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल उसको डिफाइन करना है। तो सेक्शन नंबर बी में आपके दो ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वो आपको हम बता दिए हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर सी में, जो फार्माकोथेरापिटिक सब्जेक्ट है उसका सेक्शन नंबर सी है, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगी डिसीज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है, इसके टाइप को भी डिफाइन करना है और जो इसका पैथोजेनेसिस है, इटियोलॉजी है और मैनेजमेंट यानी इसमें जो ड्रग यूज़ की जाती हैं उसको भी आपको डिफ़ाइन करना है। दोस्तों, डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो ड्रग यूज़ की जाती है उसका नाम मेटफार्मिन है, उसके बाद बूफार्मिन है, फेनफार्मिन, जो फार्मिन वाली ड्रग हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें यूज़ की जाती है यानी इस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो सेक्शन नंबर सी से आपका एक ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, डायबिटीज़ मेलाइटस यानी डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। जो सेक्शन नंबर डी है, सेक्शन नंबर डी में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, डिफाइन एपिलेप्सी यानी एपिलेप्सी क्या होती है, इसकी पैथोजेनेसिस लिखना है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट को लिखना है, यानी जो सीजर और जो अचानक करंट लगता है ब्रेन में यानी जो CNS वाली डिसीज़ होती हैं एपिलेप्सी, तो उन
उस एपिलेप्सी को आपको डिफाइन करना है, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को लिखना है, और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन पार्किंसन डिसीज़ विद इट्स इटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को आपको याद कर लेना है, यानी अच्छे से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है दोस्तों। अब सेक्शन नंबर ई बताते हैं आपको, नहीं सेक्शन नंबर ई नहीं, इसका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो माइग्रेन डिसीज़, ये भी आपकी डिसीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी आपको इटियोपैथोजेनेसिस और सिम्टम्स और मैनेजमेंट को आपको डिफाइन कर देना है। दोस्तों हम आपके लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको एक लाइक कर देनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दो। और इसका अगला सेक्शन बताते हैं, सेक्शन नंबर ई, जो सेक्शन नंबर ई है इसमें डिसीज़ होती है जो बहुत सी डिसीज़ है, इसमें 3-4 डिसीज़ है, लेकिन हम आपको वही डिसीज़ बताएंगे जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे। क्वेश्चन नंबर पहला है राइट डाउन द पेप्टिक अल्सर, यानी पेप्टिक अल्सर क्या होता है, उसकी इटियोपैथोजेनेसिस और उसके मैनेजमेंट को आपको पढ़ लेना है एक बार। फिर उसके बाद अगली डिसीज़ है व्हाट इज़ अल्कोहलिक लीवर डिसीज़, जो अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ यानी लीवर जो आपका डैमेज हो जाता है, उसमें डिसीज़ हो जाती है अल्कोहल के कारण, वह वाली डिसीज़ आपको पढ़ लेनी है और उसको डिटेल में पढ़ना है, उसकी इटियोपैथोजेनेसिस को भी पढ़ लेना है। सेक्शन नंबर एफ, सेक्शन नंबर एफ में आपकी एक ही डिसीज़ इम्पॉर्टेंट है, आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, यानी जो आयरन की डिफिशेंसी से डिसीज़ हो जाती है जिसको एनीमिया कहते हैं, वह वाली डिसीज़ आपको पढ़ लेना है, उसकी इटियोपैथोजेनेसिस मैनेजमेंट को तैयार कर लेना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है, पेपर में ज़रूर आएगी। अब जो सेक्शन जी है, सेक्शन जी ज़्यादा बड़ा सेक्शन है क्योंकि इसमें बहुत सी डिसीज़ हैं, इसमें से हमने उन्हीं डिसीज़ को सिलेक्ट किया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहली डिसीज़ आती है व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ क्या होती है। ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ आपने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो फार्माकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ पढ़ लें और उसकी इटियोपैथोजेनेसिस और मैनेजमेंट, यानी जो उसमें ड्रग यूज़ की जाती हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होती हैं, सेकेंड लाइन ड्रग कौन सी होती हैं, न्यूअर ड्रग कौन सी होती हैं, उन ड्रग को आपको इसके जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसमें लिख देना है। जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट इज़ हेपेटाइटस, यानी हेपेटाइटस क्या होता है, इसकी इटियोपैथोजेनेसिस आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को आपको तैयार कर लेना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज़ मलेरिया, यानी मलेरिया क्या होती है, यानी मलेरिया डिसीज़ क्या होती है, किसके कारण होती है, यह आपको तैयार कर लेना है और इसकी इटियोपैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट को तैयार कर लेना है। तो दोस्तों इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि वायरल इन्फेक्शन डिसीज़ क्या होती है, यानी व्हाट इज़, यानी राइट डाउन द वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरल इन्फेक्शन क्या होता है उसको डिटेल में आपको बता देना है, यानी ट्यूबरक्लोसिस है और मलेरिया है, हेपेटाइटिस है और कोरोना वायरस है और एड्स डिसीज़ है, ये वायरस इन्फेक्शन के कारण होती हैं, तो इसी को डिफाइन करना है कि वायरल इन्फेक्शन होता क्या है। अब सेक्शन नंबर एच में आते हैं, सेक्शन नंबर एच में आती है डिसीज़ रेमोटाइडेड अर्थराइटस, जो रेमोटाइड अर्थराइटस डिसीज़ होती है भाई क्या होती है उसको आपको डिफाइन करना है, उसकी इटियोपैथोजेनेसिस और उसके मैनेजमेंट को आपको लिखना है। एच के बाद सेक्शन आता है आपका आई, जो सेक्शन आई है उसमें इस्जीमा, जो डिसीज़ है इस्जीमा, उसको आपको पढ़ लेना है, उसकी डिटेल को पढ़ लेना है, यानी इटियोपैथोजेनेसिस और उसके मैनेजमेंट को तैयार कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें 3 डिसीज़ हैं इस सेक्शन में, तो हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिसीज़ है वही आपको बताई है और जो भी इसमें सेक्शन में हमने आपको ड्रग बताई हैं वह उस सेक्शन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी डिसीज़ हैं, ड्रग नहीं, जो डिसीज़ हैं उनको बताया है आपको। अब आपको सेक्शन नंबर जे, जो सेक्शन नंबर जे
सेक्शन नंबर जे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं उसको बताएंगे। देखिए दोस्तों, जो आपको सेक्शन नंबर जे की डिसीज़ हैं आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं और फार्माकोलॉजी में भी उन डिसीज़ को आप पढ़ेंगे। यानी डेफिनेशन इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी। यानी एंजाइटी को हिंदी में कहते हैं चिंता। यानी एंजाइटी क्यों हो जाती है उसका रीज़न लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखना है, एंजाइटी क्या होती है उसको डिफाइन करना है। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के रीज़न लिखना और डिप्रेशन की डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट को आपको डिफाइन कर देना है। तो सेक्शन नंबर जो जे है उसमें दो डिसीज़ इम्पॉर्टेंट है, एंजाइटी और डिप्रेशन। जे के बाद आपको सेक्शन नंबर के में बताते हैं, के में जो डिसीज़ होती है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा यानी ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा, फार्माकोलॉजी में आपने अभी भी पढ़ा है और इसमें भी आपको ग्लूकोमा तैयार कर लेना है। तो सेक्शन नंबर के में राइट डाउन द ग्लूकोमा, यानी ग्लूकोमा के बारे में बताना है विद इट्स इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट को भी डिफाइन करना है। अब आपको सेक्शन नंबर एम बताते हैं। सेक्शन नंबर एम में जो डिसीज़ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी विद इन डिटेल। यानी आपको डिटेल में लिखना है, प्रीमेंस्ट्रुअल जो डिसीज़ होती है उसको आपको लिख देना है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें लिखना है आपको, डिफाइन डाइमेस्ट्रुअल जो डिसीज़ होती है एंड इट्स डिटेल, यानी इसकी डिटेल को भी आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, डिफाइन पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम यानी POS जो डिसीज़ होती है, पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम, उस डिसीज़ को तैयार कर लेना है। उसकी जो इटियोपैथोजेनेसिस है उसको पढ़ लेना है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को तैयार कर लेना है। तो जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वह हमने आपको बता दिए हैं। आप इतने लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। अब आपको हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी बताते हैं कि आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट हैं वह कौन कौन से हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन HIV, यानी HIV क्या होता है उस पर शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, आप उसको तैयार कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उस पर आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें क्वेश्चन है एक इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, वे वाला आपको पढ़ लेना है, एक बार अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट बेस है। और क्वेश्चन नंबर फाइव है, राइट द इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ थायराइड डिसऑर्डर, जो थायराइड डिसऑर्डर होता है उसकी आपको इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ लेनी है और उसके बारे में थोड़ा सा तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रोक, यानी जो स्ट्रोक होता है आपको हम डिसीज़ लंग के लिए बता चुके हैं, माइग्रेन और पार्किंसन डिसीज़ आपको बता चुके हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है, उसी सेक्शन का ये डिसीज़ है स्ट्रोक, उसको आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अल्जाइमर डिसीज़, अल्जाइमर डिसीज़ स्ट्रोक जो सेक्शन में आती है वही डिसीज़ अल्जाइमर भी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन के सभी ड्रग्स को यानी डिसीज़ को आपको तैयार कर लेना है, आप अच्छे से इनको पढ़ लें। तो दोस्तों, आपको हमने आज इस वीडियो में शॉर्ट भी इम्पॉर्टेंट बताए हैं और लॉन्ग भी इम्पॉर्टेंट बताए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा यानी सेंड करें, भेजें, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को तैयार करके हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें।